हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और ये सब्जी तुरई की मैं बना रही हूँ क्योंकि जीविका के पापा जाते हैं 5 बजे ड्यूटी के लिए। तो उसके से पहले मुझे ये रोटी सब्जी बनाना है, तो ये मैं अभी सब्जी बनाने के लिए सब्जी काट रही हूँ। तो पहले भी नहीं काट सकते ना, काले पड़ जाएंगे, इसलिए जल्दी उठ के जल्दी काट के बनाना पड़ता है। तभी चलो इसको काट लिया, अभी इसको धो लेते हैं और अभी फिर बनाएंगे इसका सब्जी। तो ये बहुत अच्छे से धो लिया और अभी काट भी लिया। तब तक जीविका उठ गई थी मेरी बेटी, तो उसको नींद नहीं आ रही थी तो वो मेरे पीछे बैठी हुई थी। वो उसको भी बेडरूम में नहीं जाना था, बोल रही थी मुझे डर लग रहा है। तो उसके पापा रेडी हो रहे थे और जीविका यहाँ पर मेरे पास ही वो बैठी हुई थी। तो अभी मैं चलो जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ। तो ये कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, तो अभी इसमें डाल दिए हैं राई, फिर प्याज, फिर अभी पकाएंगे इसको। थोड़ा भुन गया है प्याज, फिर चलो इसको डालते हैं। इसमें मैं आलू मिलाई हूँ क्योंकि वो जो तुरई है वो बहुत छोटा हो जा बहुत कम हो जाता है क्वांटिटी, तो इसलिए थोड़ा आलू मिलाओ तो वो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जीविका को भी टिफ़िन में यही देने वाली हूँ। तो इसलिए इसमें आलू मिलाकर सब्ज़ी बनाई ताकि क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो ये बन रहा है अभी, तो जब तक वो थोड़ा सा पक रहा है उसमें मैं ये टमाटर काट के रख लेती हूँ। तो ये बस एक ही टमाटर मिक्स करेंगे, ये बहुत पके हुए हैं अभी। पहले टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा थे, जो आप सबको पता है बहुत महंगे भाव से बिक रहे थे, उनका भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अभी थोड़ा सस्ता हो गया है, तो अभी हमारे यहाँ तो 20-15 रुपए किलो में मिल जाता है। अगर आप जिसके पास रेगुलर रहते हैं तो वो आपको 15 रुपये किलो में दे देंगे, नहीं तो बाकी 20-25 रुपये करते हैं। तो ये हमारा सब्जी पकने ही वाला है, थोड़ा सा बाकी है। तो अभी इसमें मैं डाल देती हूँ ये टमाटर कटे हुए, एक प्याज, एक ही टमाटर है बड़ा साइज़ का। तो ये इसके बीच में मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ऐसा बीच में डालने से ना वो टमाटर जल्दी पक और जल्दी गलता है, तो इसीलिए मैं इसको बीच में ही डालती हूँ जब भी सब्जी में टमाटर मिक्स करना होता है, तो ऐसा करती हूँ। तो आप लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। तो अभी इसको मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। ये इसकी सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, सभी सब्ज़ी पक रहे हैं तब तक मैं आटा गूँद देती हूँ। आटा गूँद करके थोड़ी देर इसको रख लूँगी ताकि रोटी अच्छी और सॉफ्ट बने। और अभी ये मेरा आटा गूंथ के तैयार है, इसको मैं अभी ढक के रख दूँगी रेस्ट पे थोड़ी देर के लिए। वैसे मुझे आटा मैं कभी कभी मिल से पिसवा लेती हूँ, क्योंकि जब गेहूँ मुझे अच्छे मिल जाते हैं तो उनको खुद से साफ़ करके पिसवा के यूज़ करते हैं, या फिर पैकेट लेना पड़ता है जो कि आशीर्वाद, या फिर हमारे यहाँ अवेलेबल है सम्राट आटा, वही। तो अभी मैं लास्ट में मिला रही हूँ मसाले, उसके बाद थोड़ी देर में उतार दूँगी। तो अभी रोटी बनाने के लिए तवे को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, तवा गर्म हो चुका है। और अभी मैं जैसे ही आटा लेती हूँ रोटी बनाने के लिए, वैसे ही बाबू की आवाज़ आती है उधर से, बाबू इधर है। तो यहाँ पे मैं बाबू को लाने नहीं गई क्योंकि अगर पेट के पास गई तो वो बहुत नखरे करेगा, फिर से सोने की जिद करेगा, इसीलिए उसको खुद ही आने देती हूँ। मेरी रोटी कोली नहीं होती। तो ये मेरे लोहे के तवे में बन रहा है रोटी, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, नानी का चश्मा गोल गोल। मेरी रोटी गोल नहीं बनती है हमेशा, कभी कभी बन जाती है बहुत मुश्किल से।
नहीं तो मेरी रोटी गोल नहीं होती है, गोल नहीं बनती मेरी रोटी। रोटी सब्जी और ये दही है। बाबू को, बाबू बाबू को चाहिए। हाय बोलो, खाना है सर माता है। बाबू बहुत चल पाता है, इधर देखो छोटू शाय बॉय। तो ये हम अपना खाना खाते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।